अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। दोबारा बता रहा हूं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी यहां से निश्चित तौर से बहुत ज्यादा अंतर से जीतने जा रही है। कल अपना पर्चा दाखिल करें, उनका स्वागत। राजवीर मिश्र, देखा गया जा रहा है कि और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपके सामने कई कड़े मुकाबले हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्षों के सामने आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हीरा दीक्षित जी वो भी प्रदेश अध्यक्ष है और मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके सामने आप कितनी बड़ी मेहनत मार रहे हैं इस प्रोग्राम में। पद बड़ा नहीं होता है, पद बड़ा नहीं होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ से निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा अंतर से जीतने जा रही है। कोई भी पद वाला कोई भी आदमी आए, निश्चित तौर से सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीते, तो एक बजाय दो कैंडिडेट खड़े करते जब कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह जिस तरह आप जनसभाओं में जा रहे हैं, कैसा रुख नज़र आ रहा है जनता का? पूरी जनता का हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, जहाँ पे भी जा रहे हैं लोग बहुत सम्मान से आदर से पेश आ रहे हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ से जब हम 10 लोग जाते हैं तो वापसी निश्चित तौर से 20 लोग आते हैं। बात यह कोई ऐसी समस्या जो जनता ने बताई हो और आपसे उम्मीद करती हो जनता? अब जनता की यहाँ समस्या की लिस्ट है पूरी, अगर हम पढ़ने लगेंगे तो शायद मंच का समय उस समस्याओं में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सीता जी 15 साल इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, इस प्रदेश को मेरे को लगता है कि इस प्रदेश से ही उन्होंने इस एरिया को अलग समझा। उनके सुपुत्र जो है वो शायद यहाँ से सांसद ही रहे हैं एक बार, लेकिन उन्होंने इस इलाके के साथ ऐसा मतलब दोहरा व्यवहार कराया कि ये दिल्ली लगता ही नहीं है कहीं से। शीला जी को यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है जनता से, और मनोज तिवारी जी का तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार उनकी जमानत जब्त होगी। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं अगले 5 साल उनको जनता देने वाली नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।